नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल तेज सिविल कॉन्ट्रैक्ट में। आज हम बात करने वाले हैं यही ठेकेदारी से संबंधित। ये चार बातें बताने जा रहा हूं और ये चार बातें आपको ज़िंदगी में बहुत काम आएगी। जो नए ठेकेदार हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण बात हैं। सर्वप्रथम पहला पॉइंट हमारा आता है कि हमारी ठेकेदारी के अंदर रेट क्या होनी चाहिए। अब दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जब भी आप कहीं काम देखने जाएं, साइट विजिट करें, उसके हिसाब से आप नॉर्मल रेट रखें, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई ज़्यादा रेट नहीं देता। और नॉर्मल रेट ऐसी रखें जिससे आपको काम मिल सकता है। मतलब आप एवरेज ये लगाना खुद सीख जाओगे कि हमें इतने काम में हमारा इतना प्रॉफिट हो जाएगा, इतनी लेबर लगेगी, इतने मिस्त्री लगेंगे, इतना मेटेरियल लगेगा। तो इन चीज़ों को आप सीख जाते हो, अपना प्रॉफिट रख सकते हो, क्योंकि ये आइडिया आपको हो जाएगा। बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन भी करते हैं कि सर हमें ये रेट मिल रही है, इतना काम है। लेकिन दोस्तों, मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ। आप शायद ये समझें कि हो सकता है कि हम मैं रेट ना बताऊँ, लेकिन मैं रेट बताने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है किसी को। लेकिन मैं बिना देखे किसी भी चीज़ का रेट डिसाइड नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों, मैं किसी को भी रेट बिना देखे नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब तक मुझे कोई चीज़ का प्रैक्टिकल देख ना लूँ, मतलब उस जगह को देखूँ ना, तब तक मुझे रेट बनाने में दिक्कत होती है। क्योंकि मुझे आइडिया नहीं होता कि यहाँ पे कितना लेबर लगता है, कितना क्या है। और आने वाले टाइम में, अभी मैं आपको एक साइड विजिट का मेरा जो मैं देखने गया था, उसका मैं आपको पूरा वीडियो बना के डालूंगा। वो काम मैं अभी देख के आया हूँ, और उसके बाद में अब जब डिसाइड हो जाएगा कि ये काम पक्का हो गया, अगर वो वर्क ऑर्डर तैयार हो जाता है, उसके बाद उसमें काम होंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वीडियो के थ्रू बताऊंगा। उसके अंदर ये चीज़ें आपको बहुत सारी हेल्प करेगी। दूसरा पॉइंट आता है वर्क क्वालिटी। आपकी काम की क्वालिटी जो होती है आगे ले जाती है। यानी कि कोई भी आदमी अगर अच्छा काम करता है तो उसका फ्री में प्रचार होता है। कैसे? जैसे आपने किसी का काम किया और उनका काम अच्छा किया तो उनको पसंद आ गया, तो वो कहेंगे नहीं यार काम बहुत अच्छा करता है, और उस आदमी को आप बुला लो। तो इस तरीके से आप काम की क्वालिटी को बहुत अच्छा रखें, क्योंकि आपकी काम की क्वालिटी आपको बहुत आगे ले जा सकती है। अब तीसरा पॉइंट आता है आपकी टीम वर्क का। तो दोस्तों, आपके पास आपकी टीम वर्क ऐसी होनी चाहिए कि आप उसके हिसाब से काम कर सकें, कि आपको उसके अंदर जब भी आप कहो कि मुझे आज इतना काम करना है और इतने टाइम के अंदर अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट ख़त्म करना है। टीम वर्क जो काम करती है वो इस तरीके की होनी चाहिए कि आपके आप कहो रात को, आधी रात को बोलो कि ये काम करना है, तो वो आपका साथ दे। ऐसा ना हो कि कोई आदमी कह दे कि नहीं आज नहीं, कल करेंगे, ये करेंगे, तो ऐसे आदमी आप ना रखें। चौथा पॉइंट आता है आपका टाइम मैनेजमेंट। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा बचत ठेकेदार की कहाँ होती है, मैं आपको ये और पॉइंट बता रहा हूँ, लास्ट पॉइंट चौथा, कि ठेकेदार अगर अपना काम टाइम से पहले ख़त्म कर देता है तो उसको बचत ज़्यादा होती है। वो क्यों होती है कि टाइम में क्या होता है, अगर आप एक काम को, अगर 10 दिन का काम है और अगर उसको 20 दिन का करते हो, तो आप समझो कि आपका आना जाना, लेबर वापस आएगी, कम आएगी, ज़्यादा आएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपका खर्चा बढ़ जाता है। और इस तरीके से आपका खर्चा बढ़ जाएगा तो आपको प्रॉफिट कम होगा। अगर आप 10 दिन के काम को 8 दिन में करते हो या 7 दिन में करते हो, जितना जल्दी लगा के, तो उससे आपको ये प्रॉफिट हो जाता है कि आपका 4 दिन का या 2 दिन का या 3 दिन का जो भी आने जाने का खर्चा हो जाता है, और बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी होती है, तो वो आपको प्रॉफिट के तौर पर मिल सकता है। तो दोस्तों, आप इन चार बातों को ध्यान रखें, आपका ये चार बातें आपको बहुत आगे तक ले जा सकती है। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको ये काम करना ही होगा, और ये काम अगर आप नहीं करते हो तो आपको आगे बढ़ने में दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल तेज सिविल कॉन्ट्रैक्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।